हेलो यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी। जैसे मैं दिखाता हूँ, हमारे गढ़वाल में मैं रहता था, तो काफ़ी समय पहले की बात है। हम लोग पहाड़ में एक चीज़ ढूंढने में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, जो है कि जैसे काकड़ी लगती है पेड़ पे, और काकड़ी लगती है तो काकड़ी की बेल के लिए एक वो सहारा चाहिए होता है, जिससे काकड़ी काफ़ी फैलती हैं। तो काकड़ी फैलती हैं गढ़वाली में, तो काकड़ी फैलती है तो ठांगरी होती है, और ठांगरी बिल्कुल ऐसी होती है जो पहाड़ में होती है। तो ऐसे करके वो ठांगरी होती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो ठांगरी बिल्कुल ऐसी होती है, तो ऐसे करके उसको ज़मीन में यहाँ तक घेंट देते हैं, जहाँ पर तक मैंने करा घेंट देते हैं, और जन की बहुत बढ़िया लागू ठांगरी देख कर। तो ठांगरी में जो वो ठांगरी का डिज़ाइन जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, उसके बाद में जैसे मैंने वहाँ से दिखाया वो, तो इस तरह का शेप होता है उसका बढ़िया सा। तो बढ़िया सा ऐसे ठांगरी है, और किसी ने दो यहाँ पर दो ठांगरियाँ रखी हुई है अपने लिए। तो ये ठांगरी काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसे बहुत बढ़िया सी ठांगरी है, और वहाँ से दो ठांगरी हैं, ऐसे करके तीन ठांगरी हैं। और इसमें फिर खीरे लगते हैं बढ़िया से, इनके पत्तों को निकाल देते हैं, जैसे पत्ते निकाल दिए तो उसके बाद में इसमें खीरे निकालते हैं, खीरे लग जाते हैं, बहुत सारे खीरे लगते हैं इसमें। तो जो जो भाई बहन गढ़वाला अच्छा वो ये वीडियो तो नहीं सब्सक्राइब और लाइक करिए, और जो अन्य जाति चो वो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बोल अगर किसी के घर में अगर काकड़ी लगी होल कुछ लगी होली, तो ऐसे चीज़ को लेकर के अपने घर में घेंट सकते हैं। और बहुत बढ़िया एक सो देता है कि अगर आपके घर के वहाँ पर कोई होता है तो वो देखता है, उसको तो बहुत बढ़िया लगता है। तो इस पर काफ़ी खीरे भी लग जाते हैं, तो एक चीज़ होता है, एक सहारा मिल जाता है वही बोल बेल को, वो बोल का वो बोल काकड़ी के झाल को एक सहारा मिल जाता है ठांगरी का, उसके बाद बहुत सारी वो लगती हैं इस पर। तो इस तरह से लोग अपना खाना खोना भी खा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अपना खाना खोना खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा एक व्यू है। तो इसमें एक जॉब भी आ रखी है, एक जॉब आ रखी है जो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ एक जहाज है जिसमें एयरबस लिखा हुआ, एक जहाज है जिसमें लिखा हुआ बल्लूपुर चौक टू देहरादून। तो आप सोचेंगे बल्लूपुर चौक टू देहरादून कैसे करके जहाज में जाएंगे, मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ कि किसी ने थॉट डाल रखा है इसमें कि बल्लूपुर चौक से और देहरादून में कैसे जाएंगे, क्योंकि बल्लूपुर चौक आता है उत्तराखंड में और देहरादून में शायद हम हैं ही, तो मैं इस समय जहाज़ में जाऊंगा। तो ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं, तो जन के मैं कंटिन्यू रख रहा हूं। तो ये है वो जिससे ये ठांगरी ली गई, और ये ठांगरी मैंने वहां पर दिखाया। इसमें ये है कि आप बोलेंगे वो थोड़ा सा गीला सा ये है, तो कल बारिश हुई थी तो गीला हो गया, इससे बहुत पहले टूट रखी थी वो, जैसे बारिश ज़ोर से होती है टूटती है। काफ़ी नीचे धस भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे धस भी रखा है। तो आप तो जैसे एलियन होते हैं कि एलियन ने अपनी टांग रख दी हो, तो उस तरह से धस जाती है ज़मीन। तो काफ़ी नीचे ज़मीन भी धस गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ये नहीं कि आप बोलेंगे कि गाड़ी चलेगी थी यूँ करके, गाड़ी के गाने का नहीं है, ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक ये लगा हुआ, तो मेरे हाथ के इतने में गाड़ी नहीं जाती है, गाड़ी की डिस्टेंस होती है। तो इस तरह से
तो ज़मीन भी काफ़ी धस रखी है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से जैसे एलियन पिक्चर होती है कि उसमें एलियन ने टांग रखी, तो एलियन आया होगा कोई। तो ऐसे बहुत बढ़िया से आप लोगों को व्यू मिल रहे हैं, जैसे आपका एक फ़नी एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ जो सच भी हैं। तो आप लोग अपने फ़नी वीडियो में इसको देख सकते हैं। यूट्यूबर विक्रम मंडारी।